वालेकुम। आप लोगों को मालूम है कि हम एम डी कैट से रिलेटेड और प्रिपरेशंस ऑफ लेक्चरर्स से रिलेटेड कुछ सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले भी, जो आपके पास आ जाता है वायरस। अभी इस वायरस का एक नेक्स्ट पार्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ है वन बाय वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ से। द लॉन्ग चेन ऑफ एचआईवी प्रोटीन इज़ कट डाउन बाय द प्रोटीएज़ ऑफ। एच आई वी प्रोटीन्स की कट डाउन होते हैं एच आई वी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ वायरस इनकाउंटर्स एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म द वायरस मे अंडरगो मल्टीपल म्यूटेशंस एंड इमर्ज एज अ वेरिएंट दैट प्रोड्यूसेस, जो हमारे पास कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, नॉवल डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इन विच ईयर कॉजवेज एजेंट ऑफ एड्स वाज नेम। ये 1986 में कॉजेटिव एजेंट जो था एड्स का वो नेम हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द हर्ब्स वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हर्ब्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स जो होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर प्रिपेयर वैक्सीन अगेंस्ट, तो ये स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन जो थी वो बनाई थी। नेक्स्ट है, मेजर इन्फेक्टेड बाई मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई एच आई वी, तो वो हमारे पास टी हेल्पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इनसे। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ एच आई वी इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ एड्स जो होते हैं, निमोनिया भी आता है उसमें, रैपिड वेट लॉस भी होता है, एक्सट्रीम एंड अनएक्सप्लेन टायर्डनेसनेस भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एचआईवी यूजेस, तो ये होस्ट आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पर्सन विद वायरल लोड ऑफ एचआईवी वन इफ ट्रीटेड इफ अनट्रीटेड लीड्स टू, तो वो किसको चला जाता है, वो मतलब ये डिजीज़ फर्दर मूव होके एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर वायरुलेंट, तो इन सब में एच आई वी वन जो है वो मोर वायरुलेंट होता है। उसके बाद है, देर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट एच आई वी, वट इज़ द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस वायरस, क्योंकि म्यूटेट कर देता है रैपिडली, ठीक है। उसके बाद है, एच आई वी मेनली अटैक्स ऑन ये CD4 रिसेप्टर साइट होती है टी सेल्स पे, उस पर इफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चिंपेंजी हैज़ डैश इंस्टेड ऑफ एच आई वी, चिंपेंजी के अंदर एच आई वी होता है एच आई वी की जगह। उसके बाद नेक्स्ट है, एड इज़ कॉज्ड ह्यूमन इम्यूडेंसी इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस, ठीक है, एच आई वी, ठीक है। उसके बाद वट इज़ मीन बाई एच आई वी पॉजिटिव, ऐसा पर्सन जिसके अंदर एड्स हो उसे एच आई वी पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, द रेप्लिकेशन ऑफ एच आई वी न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, तो आपके पास इंटीग्रेज एंजाइम्स होता है उसकी मदद से। उसके बाद थ्री स्टेजेस ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन आर, तो आपके पास जो थ्री स्टेजेस में फर्स्ट वन ये जो है ये करेक्ट आ जाती है, सही है। एक्यूट के बाद क्रॉनिक होता है, फिर एड्स हो जाते हैं। मम्स एंड मीजल्स आर कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पैरामैक्सो वायरसेस की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद एच ए वी इज़ ट्रांसमिटेड बाय, तो ये फीसिस से ट्रांसमिट होता है। फिर है, डैश इज़ यूजुअल कॉज एजेंट ऑफ जेनिशियल हर्ब्स, तो ये एच एस वी जो है वो वन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन डिड एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एच आई वी वायरस बिगन, तो ये 2001 में बिगन हुआ था, ठीक है। उसके बाद पिग्स जो होते हैं वो रिजर्वायर होते हैं किसके, एच आई वी के, सॉरी एक सेकेंड, एच ई वी के। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब टोबैको मोज़ेक वायरस, तो आपके पास आरएनए वायरस जो होता है वो इसको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, पोक्स वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स ड्यू टू, क्योंकि इसका साइज जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिमार्केबल फीचर ऑफ पॉक्स वायरस लार्जेस्ट इन साइज है। उसके बाद इट इज़ ट्रू अबाउट मम्स कि ये वाइडली स्प्रेड होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस बोथ ए एंड बी, मतलब आपके पास एच बी वी और एच ए वी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं यहाँ पे, सॉरी।
उसके बाद नेक्स्ट है पॉक्स वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। फिर अटैचमेंट ऑफ रेबीज वायरस बाइंड टू एसिटाइल क्लोनिन रिसेप्टर। फिर वेयर डज द एसिड वायरस एड्स वायरस इन्फेक्ट, तो आपके पास ल्यूकोसाइट पे इन्फेक्ट करता है। फिर है विच स्पेशलाइज एंजाइम डू रेट्रोवायरस हैव, रेट्रोवायरस के पास कौन सा स्पेशलिस्ट एंजाइम होता है, तो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उनके पास, ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइटिस डी इज आल्सो नाउन एज डेल्टा हेपेटाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाउ द एचआईवी इज ट्रांसमिटेड, तो ये सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, ब्लड से भी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, और हम इस पर करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज़, तो हमारे पास टेटनस जो होती है वो वायरल डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एच आई वी, तो राइबोसोम जो होते हैं वो एच आई वी के कंपोनेंट्स नहीं होते। उसके बाद एच आई वी डिफर्स फ्रॉम मैनी वायरस बिकॉज इट हैज़ हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम लोग इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। काइंडली आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।